हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक ठाक हो गए आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि घर के अंदर झूला किस तरीके से आपको लगाना है। अगर आपका घर बन रहा है और अगर आपका घर बन चुका है तब भी आप झूला लगा सकते हैं। अगर आपका घर बन रहा है, अभी स्लेब डालना बाकी है, तब तो बहुत ही आसानी से आप झूला लगा सकते हैं। अगर आपका घर बन चुका है और फिर आप सोच रहे हो कि अरे यार यहाँ पर झूला एक होता तो अच्छा रहता, झूला लगाना है हमको यहाँ पर इस रूम के अंदर झूला हमको लगाना है, या फिर आप सोच रहे आपका बच्चा कोई बोल रहा है, छोटे बच्चे आपके घर में, और सोच रहे कि अगर ये इस रूम में हम झूला पहले लगवा लेते तो बहुत ही अच्छा रहता, तो आप बाद में भी झूला लगवा सकते हैं। लेकिन बाद में झूला लगवाने में क्या आपको थोड़ा तोड़ा फोड़ी करना पड़ेगा। और अगर आपका घर बन रहा है तब आपने सोच लिया है कि यहाँ पर हमको झूला लगाना है, तो किस तरीके से झूला लगाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको रेडीमेड आपको झूला के कड़ा लिया ना बाजार में से, बराबर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे झूला के जो कड़ा रहते हैं वो भी दो तीन टाइप के आते हैं। एक जो झूला का कड़ा रहता है वो उसके अंदर जो रबड़ रहती है बीच में लगी हुई, और जो दूसरा एक जो कड़ा दूसरे टाइप का जो कड़ा आता है उसके अंदर बीच में बेरिंग लगा हुआ रहता है। जो बेरिंग वाला जो कड़ा रहता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, बराबर। और जो रबड़ वाला जो ये कड़ा रहता है तो उसके अंदर अगर ज़्यादा लोग अगर झूला झूलते हैं तो रबड़ की क्या फिर वो दब जाता है, तो फिर वो जब झूला झूलते हैं तो फिर वो घिसा जाता है। तो अगर बेरिंग वाला अगर आप लाते तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, बराबर। तो यहाँ पर मेरे पास दो कड़ा मैंने लिया है तैयार बाजार से, आपको ले आना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल पीस के ऊपर आपको दो होल मिलेंगे, उस होल के अंदर आपको दो सलिया आपको फंसा देना है और उसको अच्छी तरीके से तार से बांध देना है, बराबर। तार से बांधने के बाद फिर ये जो झूला का जो गोल गोल आपको नीचे दिख रहा है तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक लपेट देना है। दोनों पीस है उसके अंदर आपको प्लास्टिक लपेट देना है, अच्छी तरीके से प्लास्टिक लपेट के और उसको दूरी बांध देना है, इतना करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो होल है उसके अंदर आपको 10 mm के सलिए के दो टुकड़े यानी दो पीस आपको टुकड़े अंदर लगा देना है। और उसके बाद फिर आपको आप जो शटरिंग रहता है उसके अंदर शटरिंग के अंदर थोड़ा सा छेद करके और नीचे से आपको ये जो झूला के जो कड़ा है उसको आपको नीचे से डाल के और ऊपर से आपको दोनों सलिए को फंसा देना है, इस तरह। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये, अगर आप बीम में डालना चाहते तो बीम में भी आप डाल सकते हैं। तो बीम के अंदर भी आपको छेद करके नीचे से पट्टिए के अंदर और उस नीचे से आपको कड़ा डाल के उसके बाद आपको क्या बोलते अपने ऊपर से दो सलिए कड़ा फंसा देना है। तो यहाँ पर मैं बीम के अंदर डालने वाला हूँ जो कड़ा है। तो आपको कितनी फीट पे कितनी चौड़ाई भी आपको झूला रखना है, 1 फीट पे रखना है, 2 फीट पे, 4 फीट पे, 6 फीट पे, कितनी फीट पे रखना है। तो यहाँ पर मैं 4 फीट की दूरी पे दो कड़ा को लगाने वाला हूँ। एक कड़ा ये इधर लगाऊंगा राइट साइड पे और इसी तरीके एक लेफ्ट साइड पे मैं लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दो सलिए के टुकड़े इस तरीके से आपको लगा लेना है, इसको अच्छी तरीके से तार से बांध देना है ताकि ये सलिया निकले नहीं, बराबर। इस तरह इतना करने के बाद फिर आपको बीम के अंदर इसको सलिया रख देना है। लेकिन उस रखने से पहले आपको क्या करना है, प्लास्टिक बांध देना है नीचे, जो गोल गोल जो उसके कड़ा है ना उसको नीचे आपको प्लास्टिक बांध देना है ताकि उसके अंदर सीमेंट का मसाला वसाला चिपके नहीं। अगर वो चिपक जाएगा, इसके ऊपर सीमेंट का मसाला चिपक जाएगा तो फिर वो उसके ऊपर काट लग जाएगी, यानी कि वो मूर्छा लग जाएगा उसके ऊपर। इतना करने के बाद, और अगर आपका घर बन चुका है तब भी आप ये लगा सकते हैं इस तरह के कि एंगल आपको बाजार से लिया ना है। बाजार से एंगल लाने के बाद फिर आपको कोई ऐसी जगह देखना है कि जहाँ पर बीम हो, तो बीम के अंदर फिर ये जो दो होल आपको जो इसमें जिसके अंदर अभी जो मैंने सलिया लगाया हूँ इसके अंदर आपको दो बड़े बड़े खिल्ला ले लेने का है, 3-4 इंच के खिल्ला ले लेने का है, और बीम के अंदर इसको आपको ठोक देना है। इसी तरीके से कोई दूसरा बीम हो पास में उसमें ठोक देना है, तब आप इस तरीके से आपका घर बन गया है तब भी आप इस तरीके से आप झूला लगा सकते हो। और अगर आपका घर अभी बन रहा है तो आपको फिर इस तरीके से लगा लोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, तब तो आपको कुछ तोड़ा फोड़ी करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने बीम के अंदर आपको रखना है। यहाँ पर छत डालने से पहले जिस दिन आपका शटरिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, लाइट छत के ऊपर लाइट के जो पाइप के वायरिंग यानी जो पाइप बिछाते लाइट का वो भी अगर आपका कंप्लीट हो गया है, सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आपको ये झूला के एंगल जो रहते हैं उसको आपको लगाना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लगा दिया हूँ, इसी तरीके से मैं एक लेफ्ट साइड में झूला का कड़ा लगाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं लगाया हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कर देना अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो।
अब इसी तरह मैं एक ये यहाँ पर लगाने वाला हूँ, दूसरा एक एंगल। अभी इतना लगने के बाद फिर ये कुछ इसके ऊपर पूरा मसाला भर जाएगा। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको प्लास्टिक लगा देना है और इस तरीके से कुछ तार से आपको बांध के पूरा कंप्लीट करके अब इसके ऊपर से अब अगले दिन इसको छत डाल देंगे। फिर छत डालने के बाद आपको कुछ नीचे से जैसे 15-20 दिन के बाद फिर इसको ये शटरिंग हटा खोलेंगे। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे आपको रेती डाल देना है इसके साइड साइड में, यानी कि मोरम डाल देना है ताकि इसके ऊपर सीमेंट का मसाला चिपके नहीं। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ। फिर शटरिंग वटरिंग सब खोलने वोलने के बाद कुछ आपको इस तरीके का नीचे से दिखेगा झूला।